तो कहानी की शुरुआत में हम दो इमोर्टल कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जिनमें से एक कल्टीवेटर का नाम ली होता है, जो अपने एक साथी को एक लड़के के बारे में बता रहा था, जो रोज़ उसे एक स्पेशल अगरबत्ती जलाकर बुलाता था। पर जब वो वहाँ जाता था, उस समय वो लड़का वहाँ पर नहीं होता था, जिस वजह से ली काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इसी बीच हम उसी लड़के को देखते हैं जिसका नाम बाई होता है, जो एक माउंटेन पर चढ़कर फिर से उस स्पेशल अगरबत्ती से ली को बुलाने की कोशिश करने लगता है। पर तभी वहाँ पर कुछ थंडर क्लाउड्स आ जाते हैं, जो बाई पर बिजली गिराने लगते हैं, जिस पर बाई वहाँ से भागने का प्लान बनाने लगता है क्योंकि वहाँ का मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था। लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर ली आ जाता है, जिसे देखकर बाई काफ़ी खुश होता है और ली को उसे उसका डिसाइपल बनाने को कहता है, ताकि वह एक कल्टीवेटर बन सके। जिस पर ली बाई से पूछता है कि वह एक कल्टीवेटर क्यों बनना चाहता है, जिस पर बाई कहता है कि उसके मॉम डैड की मौत के बाद से विलेज के लोग उसे पाल रहे हैं, जो उसे काफ़ी प्यार करते हैं, इसलिए वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि बाई एक कल्टीवेटर बने क्योंकि इसमें बहुत खतरा होता है, इसलिए वो लोग बाई को विलेज से कभी बाहर नहीं जाने देते थे। जिस पर ली बाई को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और हमें पता चलता है कि असल में विलेजर्स बाई की हरकतों से काफ़ी परेशान थे, इसलिए वो बाई के विलेज छोड़कर जाने पर खुशियाँ मनाने लगते हैं और पार्टी स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर बाई जाने से पहले उन्हें वापस मिलने आने का वादा करता है, जिससे वो लोग वापस दुखी हो जाते हैं। इसी बीच ली बाई को उड़ाकर एक जगह पर ले जाता है और वहाँ पर बाई को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर बाई की मुलाकात फायर किचन डिपार्टमेंट के कैप्टन से होती है, जिसका नाम जैंग होता है, जो बाई को बताता है कि आज से वह उनके डिपार्टमेंट का एक मेंबर है। तभी वहाँ पर बाओ नाम का एक लड़का आता है, जो कि फायर किचन डिपार्टमेंट में शामिल होना चाहता था, लेकिन अब बाई की वजह से उसकी सीट चली गई थी क्योंकि बाओ बाई से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए बाओ को लग रहा था कि बाई ने रिश्वत देकर उसकी सीट छीनी है, इसलिए बाओ बाई से अपना बदला लेने के लिए उस पर अटैक करने लगता है। पर सही समय पर जैंग आकर बाई को बचा लेता है और बाओ से कहता है कि वो एक सेकंड लेवल का कल्टीवेटर है, इसलिए उसकी यहाँ से जाने में ही भलाई होगी। लेकिन जाने से पहले बाओ बाई के हाथ पर एक चैलेंज सील लगा देता है, जिससे उनकी अगली बैटल उन दोनों में से किसी एक की मौत से ही खत्म होगी, जिसके बाद बाओ वहाँ से भाग जाता है और बाई को अपनी लाइफ की चिंता होने लगती है, जिस पर जैंग बाई से कहता है कि जब तक वो फायर किचन डिपार्टमेंट के अंदर है, कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता है, इसलिए उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जैंग बाई को बताता है कि उनका फायर किचन एल्डर के लिए खाना बनाता है और यहाँ मौजूद सारे इंग्रेडिएंट्स हाई लेवल के थे, जो कल्टीवेशन करने के लिए स्पिरिचुअल पावर प्रोवाइड करते थे, और बाई फायर डिपार्टमेंट का 9th मेंबर था। जिसके बाद जैंग बाई को उसकी आर्टिफैक्ट सिलेक्शन सेरेमनी में ले जाता है, जहाँ पर बाई को लग रहा था कि उसे काफ़ी कूल आर्टिफैक्ट देखने को मिलेंगे, पर उसकी एक्साइटमेंट कुछ ही समय में ख़त्म हो जाती है क्योंकि आर्टिफैक्ट के नाम पर वहाँ पर सिर्फ बहुत सारी कढ़ाइयाँ मौजूद थी, जिस वजह से बाई उन आर्टिफैक्ट को सिलेक्ट करने में हिचकिचा रहा होता है, जिस पर जैंग बाई से कहता है कि यह आर्टिफैक्ट इस चीज़ का सिंबल होगा कि बाई फायर किचन का मेंबर है, जिससे लोग उसे पंगा नहीं लेंगे, जिससे बाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने लिए एक आर्टिफैक्ट ढूंढने लगता है और एक टर्टल सेल के शेप की कढ़ाई को चूज करता है, जिस पर सभी बाई पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद जैंग बाई को कल्टीवेशन के बारे में बताना शुरू करता है, जहां पर जैंग बाई को बताता है कि कल्टीवेटर के कल्टीवेशन के अंदर 10 की कंसीडरेशन लेवल होती है और तुम्हारा लेवल जितना ज़्यादा हाई होता है, तुम उतनी ज़्यादा टेक्निक को सीख सकते हो, और एक बार जब आप 0 की कंसीडरेशन लेवल पर पहुँच जाते हैं, उसके बाद कल्टीवेटर को फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रिलैम तक जाने के लिए कल्टीवेशन करनी होती है। लेकिन बाई का एडमिशन फायर किचन डिपार्टमेंट में हुआ था, जहां पर बाई ज़्यादा से ज़्यादा 3rd की कंसीडरेशन लेवल तक ही पहुंच सकता था और बाई को हायर लेवल की कल्टीवेशन करने के लिए आउटर सेक्टर में जाना होगा, पर बाई को 3 की कंसीडरेशन लेवल तक पहुँचने में काफ़ी समय लगने वाला था, इसलिए उसे अभी आउटर सेक्टर जाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर बाई को पता होता है कि अगर उसे खुद को प्रोटेक्ट करना है तो उसे ताकतवर बनना ही होगा, इसलिए बाई अपने कमरे में कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, पर काफ़ी देर ट्राई करने के बाद भी बाई अपनी की को महसूस नहीं कर पा रहा होता है और थक कर रुक जाता है। तभी बाई को कुछ आवाज़ आती है, जिस पर वो उस आवाज़ को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर बाई को उसके सीनियर स्पिरिचुअल फूड खाते हुए दिखाई देते हैं। इसी बीच हम बाऊ को देखते हैं, जो फायर किचन के बाहर बाई का इंतज़ार कर रहा होता है और कसम खाता है कि वो बाई के फायर किचन से बाहर आते ही उसे जान से मार देगा। इसी बीच किचन के अंदर बाई ने बहुत सारा खाना खा लिया होता है और जैंग से वादा करता है कि वह उनके स्पिरिचुअल फूड खाने की बात किसी को नहीं बताएगा, जिस पर जैंग बाई से कहता है कि अभी उसने
कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया है, इसलिए ये स्पिरिचुअल फूड बाई के बॉडी के अंदर मौजूद इम्प्योरिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे उसके लिए कल्टीवेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जिस पर बाई और ज़ोर शोर से स्पिरिचुअल फूड खाने लगता है, पर तभी अचानक से बाई की बॉडी गर्म होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद बाई को अगले दिन होश आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो अपने बॉडी के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर पा रहा है, जिस पर बाई लगातार कई दिनों तक बिना रुके अपने कमरे में कल्टीवेशन करता रहता है, जिससे वो फाइनली स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी से बाहर लाना सीख जाता है। इसी बीच बाई को भूख लगती है, जिस पर वो अपने आर्टिफैक्ट में राइस को पकाने लगता है, पर उस राइस के साथ कुछ अजीब हो जाता है, जिससे बाई काफ़ी शौक होता है, जिसके बाद हम बाई को खाना खाते हुए देखते हैं, जहां पर बाई अपने सीनियर को एक चमकने वाले राइस के बारे में बताता है, जिसे उसने अपने आर्टिफैक्ट में बनाया था, जो सुनकर बाई के सीनियर उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक चमकने वाले राइस के बारे में नहीं सुना था और ऐसा सिर्फ रिफाइनिंग करने से ही हो सकता था, लेकिन अभी रिफाइनिंग सीखने के लिए उनका लेवल काफ़ी लो था। जिस पर जेंग बाई को रिफाइनिंग के बारे में बताता है कि रिफाइनिंग 3 टाइप की होती है, जिसमें से पहली रिफाइनिंग को वेपन रिफाइनिंग कहा जाता है, जिसमें कल्टीवेटर अपने वेपन को रिफाइन करके उनकी पावर को बढ़ाते हैं, और सेकेंड होती है मेडिसिन रिफाइनिंग, जिसमें कल्टीवेटर मेडिसिन की एबिलिटी को बढ़ाते हैं, और आखिरी रिफाइनिंग को स्प्रिट रिफाइनिंग कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल रिफाइनिंग मानी जाती है, जिसमें वर्ल्ड में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को किसी भी चीज़ में डालकर उसे रिफाइन किया जाता है। जो सुनकर बाई अपने आर्टिफैक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका आर्टिफैक्ट एक स्प्रिट रिफाइनिंग आर्टिफैक्ट है, पर जब बाई एक स्वॉर्ड को दूसरी बार रिफाइन करने की कोशिश करता है, तभी उसका आर्टिफैक्ट कुछ अजीब हरकतें करने लगता है और बाई की बॉडी से उसकी कुछ लाइफ एनर्जी निकाल लेता है, जिससे बाई अपने बालों को खो देता है, जो देखकर बाई काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे मरने का डर लगने लगता है, जिससे वो कभी भी एक इमॉर्टल नहीं बन पाएगा, और बाई इस सब के लिए अपनी आर्टिफैक्ट को कोसने लगता है। तभी बाई को पता चलता है कि वो अपने आर्टिफैक्ट को अपनी मर्जी से समन और गायब कर सकता है। तभी जेंग किसी काम से बाई को बाहर बुलाने लगता है। तभी हम बाई को देखते हैं, जो अपने लाइफ एनर्जी को खोने की गलती के पीछे बाओ को कारण मानने लगता है, क्योंकि अगर बाओ ने उसे लड़ने के लिए चैलेंज नहीं किया होता तो वह ऐसी अजीबोगरीब हरकतें नहीं करता। इसलिए बाई गुस्से में बाहर जाकर जोर जोर से बाओ का नाम चिल्लाने लगता है और उसे चैलेंज करने लगता है, पर बाई को पता चलता है कि बाओ काफ़ी समय से मिसिंग है, जिस पर बाई उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ स्पेन बिना किसी वजह के बर्बाद हो गई थी। जिस पर बाई का एक सीनियर बाई को बताता है कि अगर बाई बिगनर मिशन को पूरा करेगा तो उसे एक पिल मिलेगी, जिससे उसकी लाइफ 1 साल बढ़ जाएगी। जिस पर बाई सिटी के अंदर एक शॉप पर मिशन का सामान लेने जाता है, पर वो देखता है कि उसके पास सामान खरीदने जितने पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ पर बाऊ आ जाता है, जो वहाँ पर बाई को मारने आया था, लेकिन बाई इस बार बाऊ से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन बाऊ के साथ कुछ और लोग भी होते हैं, जिस पर बाई वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं, जहाँ पर बाई कई बार मरते मरते बचता है। इसी बीच बाई के सीनियर बाई को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उनका सामना बाऊ के साथियों से होता है, जो कि सुपरविजन डिपार्टमेंट से थे और यहाँ पर बाऊ और बाई के मैच को सुपरवाइज करने आए थे, पर जेंग को इसकी परवाह नहीं होती है, जिसके बाद हम बाई और बाऊ की फाइट को देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों की फाइट चल रही होती है और बाई अपनी रिफाइंड स्वॉर्ड का यूज़ करके बाऊ को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। इसी बीच हम जेंग और सुपरवाइजर को देखते हैं, जिनकी आपस में फाइट चल रही होती है और वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं, जो हम उनकी फाइट से साफ साफ देख पा रहे थे, क्योंकि वो दोनों 3 की कंसिडरेशन लेवल पर थे। इसी बीच वहाँ पर एक आदमी आता है, जो उनकी फाइट को रोकता है, क्योंकि बाऊ और बाई की फाइट में एक आदमी मरने वाला था, जिस पर वो सभी तुरंत वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर जैन को लग रहा था कि बाई बहुत बुरी तरह से हार गया होगा, पर जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तब वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं, क्योंकि बाई उस मैच को जीत गया था और बाऊ को बहुत बुरी तरह पीट रहा था, जो देखकर वो सुपरवाइजर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि बाई एक नया डिसाइपल होने के बावजूद भी बाऊ को हरा पाया था, जो कि 2nd की कंस्ट्रक्शन लेवल पर था, जिस पर जेंग को पता चलता है कि बाई 3 की कंस्ट्रक्शन लेवल पर पहुंच चुका है, जो कि काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि बाई को ट्रेनिंग स्टार्ट किए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो सभी लोगों को बताती है कि आउटर सेक्टर जाने के लिए सिलेक्शन स्टार्ट हो गई है और कुछ समय में एक टूर्नामेंट रखा जाएगा, जिसके विनर को आउटर सेक्टर में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाएगा। पर इस बार का टूर्नामेंट काफ़ी टफ होने वाला था, क्योंकि इस टूर्नामेंट में सिर्फ 3 लोगों को आउटर सेक्टर में भेजने के लिए चुना जाने वाला था, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।